नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जीवन परिचय मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो चलिए जानते हैं आज पाठ के बारे में। फादर वुल्के को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, यानी फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरवाद होता है एक फोड़ा, है ना, एक जहरीला फोड़ा, और जिससे कि फादर बुल्के की मृत्यु हुई। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। ये लेखक कहते हैं कि जो दूसरों के प्रति हमेशा प्रेम और दया की भावना रखता हो, उसके लिए जहरवाद क्यों दिया गया। भगवान से पूछ रहे हैं कि उन्हें ऐसे नहीं मरना चाहिए था। यह सवाल ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चौगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद जाइन, मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व कि इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। ये किसका बारे में बता रहे हैं? सर्वेश्वर दया सक्सेना जी ये फादर बुल्के के बारे में बता रहे हैं। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उन्होंने देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनका देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, यानी उनकी दृष्टि में करुणा झलकती थी, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब पारिवारिक रिश्तों में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते और हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। ये फादर बुल्के उनके परिवार के जैसे ही थे। उनके घर आना जाना था, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के घर उनका आना जाना था, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। यानी वो हम उन्हें अपने बड़े के समान मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वह भी हमें अपने आशीष और अपनी अच्छी अच्छी राय दिया करते थे। कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया, और मैं कहना चाहता हूँ कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, दो भाई थे, एक बहन थी, माँ पिता सभी थे। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि जो फादर बुल्के थे, वो बेल्जियम में उन्होंने इंजीनियरिंग की, ठीक है, और इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में उन्होंने उसे छोड़ दिया और एक सन्यासी बन गए। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे कैसे हुआ होगा, उनके मन में सन्यासी बनने का भाव कैसे आया हुआ होगा, जबकि उनका पूरा भरा पूरा परिवार था, यानी भाई थी, बहन थी, माँ पिता सब थे, फिर भी वो सन्यासी बने। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्पसेपर। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे। ये प्रश्न लेखक पूछ रहा है फादर बुल्के से। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, अपने
अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया। एक भाई काम करता था, उसका परिवार है, और बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसके शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने देखा था। यानी भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। जो फादर बुल के थे वो बेल्जियम के थे और भारत आ गए थे, भारत में ही रहने लग गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराते कहते, यानी कि जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उन्हें पूछते कि आप सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चले आए, तो वे कहते हैं कि ये जो प्रभु की इच्छा थी इसलिए मुझे आना पड़ा। मुस्कुराकर यानी सरलता से जवाब देते थे। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। जब कोई सन्यासी बनता है या अपना गृहस्थ जीवन त्यागता है और सन्यास का जीवन अपनाता है, तो वह अपनी कोई एक शर्त रख सकता है। तो उसने ये शर्त रखी कि मैं सन्यासी तो बनूंगा लेकिन मैं भारत भी जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते और खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी हो या बरसात झेलकर वो मिलने आते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। जो फादर बुल के थे वो बेल्जियम के थे लेकिन वो भारत में रहने लगे, और भारत में रहकर उनकी इच्छा थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। इसलिए उन्होंने हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया गया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यानी कि किसी भी बड़े दुख में वो सांत्वना देते थे जिससे व्यक्ति को शांति मिलती थी। हर मौत दिखाती है कि जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर बुलके के शब्दों से झरती विरल शांति भी, ये लेखक कह रहे हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर बस एक बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई और वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर जी उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक
लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क के कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले गए। धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छांव थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृद्ध। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र कुमार, स्नातक अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग पादरीगण उनके बीच। गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी थे, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, यानी सिमट आए थे। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा भी था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को, किसके बारे में बात हो रही है, जब साली इसकी फादर बुलके की मृत्यु हुई, रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से एक वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबसे सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा है, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी फादर बुलके का इस प्रकार से उनके जीवन के बारे में बताते हैं और उनके गुणों का स्मरण करते हुए ये स्मरण विधा लिखते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक समाप्त हुआ। बच्चों, आपको इस पाठ का सार लिखना है अपनी हिंदी की नोटबुक में और इसके प्रश्न उत्तर के साथ में दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।